प्लीज टॉक। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अंशुल जी हैं जो जानना चाहते हैं, जो कंप्रेसर ऑन करने के लिए आईसी लगी है किस एलजी की पीसीबी में, और कंपलसरी आईसी है, हर पीसीबी में होती है, यूएलएन 2003 ये नंबर होता है नॉर्मली इसका, और भी नंबर आती है। तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी इंटरनली वर्किंग क्या है, एक्चुअली ये है क्या, तो यही आप भी जानो कि ये क्या है, ठीक है। अब आप लोग समझो अच्छे से, ठीक है। ये रही है यूएलएन आईसी, नॉर्मली नंबर इसका 2003 होता है, 64002 भी आती है, दो तीन नंबर की आती है। तो 16 पिन होती है, खास बात इसमें ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। उससे बिल्कुल 8 इसके सामने होती है, ठीक है। अब आपको इसमें से इतनी बात पता है कि यूएलएन की ये वाली, ये वाला तो एक नंबर है, डॉट बना हुआ है, ये 8 नंबर है, क्या है, ये रही 8 नंबर, ये 8 नंबर ग्राउंड होती है, क्या होती है, ये भी बात पता है आपको। ये ग्राउंड ई मीटर है दरअसल, क्या है, ई मीटर क्यों है, क्योंकि इसी आईसी के अंदर ना 7 ट्रांजिस्टर इनबिल्ट लगे हुए हैं, कितने इंटरनली 7 ट्रांजिस्टर हैं जो 7 चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैसे, 8 नंबर ई मीटर है, ठीक है ना, क्या है, 8 नंबर ई मीटर, ये देखो इंटरनली मैं ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ, ये पहला ट्रांजिस्टर, 3 पिन होती है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की एक पिन यहाँ जुड़ी है इस पिन से, एक पिन इसी ग्राउंड से जुड़ी हुई है, और एक पिन जुड़ी है ये सामने वाली पिन। तो जो सामने जुड़ी है, मैं आपको बताऊँ, जो 1 से 8 तक 8 नंबर ई मीटर होगी, 7 पिनें काय की हैं, दरअसल ये जो 7 पिनें हैं ना, ये सब बेस हैं, क्या हैं, आपको पता है ना, ट्रांजिस्टर में एक इमीटर होता है, एक बेस होता है, मालूम है ना इतनी बात, ये भी बेस है और ये भी बेस, 7 बेस हैं, क्यों, क्योंकि 7 ट्रांजिस्टर लगे, एक बेस इस ट्रांजिस्टर का हो गया, और ये जो आउट वाली पिनें हैं दूसरी साइड वाली, कौन सी, 9 नंबर, और ये 16 नंबर, 9 नंबर एक कॉमन है, ये ठीक है ना, इसका ट्रांजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, दरअसल ये इमेजिन करने के लिए है, 7 ट्रांजिस्टर इसके अंदर है, एक्चुअल तो इसमें एक चिप है, ये उसकी सप्लाई है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टरों की वर्किंग ऐसी रहेगी, ये जो पिन है ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, ये रहा। तो कितने बेस हो गए, 7 बेस, 7 कलेक्टर, और ई मीटर को कॉमन कर दिया है, मतलब ई मीटर हर ट्रांजिस्टर पे मौजूद है। मैं दूसरा ट्रांजिस्टर भी बना देता हूँ, ये रहा दूसरा ट्रांजिस्टर, जिसकी एक पिन बेस से जुड़ी है, एक पिन सामने वाली पिन कलेक्टर से जुड़ी है, और एक पिन इसी से जुड़ी है ई मीटर से, मैं बीच में कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक और लगा हुआ है, 7 ही बनाऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी आईसी का काम बताया, आपको समझ में नहीं आया, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। बीच वाली इसी से इमीटर से जुड़ी हुई है, और एक ये सामने वाली से, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर हम यहाँ बना रहे हैं, एक पिन इससे बेस से, एक कलेक्टर से, और एक यही इमीटर से जुड़ी हुई है, ठीक है, यहीं तक बनाते हैं, समझ गए ना, 5 तो बना दिए ना, छठा चलो एक और बना देता हूँ, ऐसे 7 लगे हुए हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। तो 6 तो मैंने बना दिए, इन पिनों का छोड़ दिया, ठीक है। अब देखोगे ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, एम्पलीफाई ऑन ऑफ, फिलहाल ये ऑन ऑफ की वर्किंग के लिए लगा रखते हैं, किस लिए, ऑन ऑफ के लिए, और ऑन ऑफ किसे कराना है, यहाँ एक रिले लगी हुई है, क्या लगी है, ये रिले लगी हुई है कंप्रेसर वाली, इसको ऑन ऑफ करना है, और आपको ये भी पता है ऑन कब होगी, जब इसको ग्राउंड मिलेगी, क्या होगा, ग्राउंड, ये तो पता है ना, 12 इस पर आ रही है, यहाँ ग्राउंड मिलेगी तब ऑन होगी, ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है यहाँ, ये यहाँ पे है ना, 10 नंबर पे, किस पे, 10 नंबर पे कनेक्ट करा, मान लो इसी को 10 ही मान लो। अब ये पिन जो है ये काय से जुड़ी है, अंदर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, समझ में आई इतनी बात, कहाँ जुड़ी है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, और इसको चाहिए क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो ये रिले ऑन हो जाए,
ग्राउंड ग्राउंड चाहिए, और ग्राउंड मौजूद कहाँ है, ई मीटर पे, यानी यहाँ पे मौजूद। ट्रांजिस्टरों का यही काम है, ई मीटर पे मौजूद चीज़ को कलेक्टर पे भेज देता है, या कलेक्टर पे मौजूद चीज़ को ई मीटर पे। पर कब भेजता है ये आपको पता होना चाहिए, ट्रांजिस्टर कब भेजेगा, जब बेस पे करंट आएगा, कब आए कब कब भेजेगा बेस पे। एक एक पिन रह रही है ना, ये सब एमसीयू से जुड़ी रहेंगी, क्या है, सब एमसीयू से कनेक्ट रहेंगी। क्यों? क्योंकि एमसीयू इनको कमांड देगी, इजाज़त देगी, है ना। इसमें ये जो पिने हैं 1 से 7 तक, ये सब मेन से जुड़ी हैं, मेन जिसकी बेस पर करंट देगी। तो ये जो इमीटर वाला ग्राउंड है, ये वहीं उसी के सामने आ जाएगा। एग्जांपल, हमें ये रिले ऑन करनी है, कैसे, ग्राउंड देख के, ग्राउंड चाहिए, पर ग्राउंड अभी नहीं आ रही, आएगी कब, जब मेन आईसी इस ट्रांजिस्टर की बेस वाली पर 5 वोल्ट देगी, क्या देगी, ये तो पता है ना। इसके सामने जो पिन है क्या है, वो बेस है, वो क्या है, बेस, बेस मेन से जुड़ी है। मेन से जब बेस पे करंट आएगा तो 8 नंबर वाली जो ग्राउंड है ई मीटर, वो करंट यहाँ इस पर कलेक्टर पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, जब ये यहाँ कमांड इन होगी तो यहाँ जो ग्राउंड है ये यहाँ पर भी मौजूद है, बीच में है ना, यहाँ मौजूद है ना ये ग्राउंड इधर आ जाएगा और रिले पे चला जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा। तो अंदर जो 7 ट्रांजिस्टर है वह ऐसे काम कर रहा है। अगर आईसी जो है इसको करंट देगी, ठीक है ना, इसको प्लस करंट देगी, तो यहाँ जो बीच में ग्राउंड आ रहा है ना इमीटर, क्या इमीटर, ये इधर चला जाएगा। अब इसको आप कहीं भी दे सकते हो, ऐसी चीज़ जो ग्राउंड से ऑन होती है, समझ नहीं बात, ठीक है। तो इंटरनली 7 ट्रांजिस्टर लगे हैं इस साइड की, कहाँ, 16 से लेके और ये 10 तक, कहाँ तक, 16 से 10 तक, ये सब कलेक्टर की पिने हैं। इन पर ग्राउंड आउट निकलेगी, पर कब निकलेगी, जब इनके सामने वाली पिन जो कि बेस हैं, क्या हैं, बेस है। हाँ, उन पर जब करंट आएगा मेन आईसी से। यहाँ 5 वोल्ट लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि 5 ही आए, नहीं, वो कुछ भी आ सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि बेस पे करंट जब आएगा, यहाँ बेस पे करंट आया तो ये वाली 8 वाली ग्राउंड, ई मीटर की ग्राउंड, इसके सामने वाली पिन जो कलेक्टर है उस पर चला जाएगा। बेस यहाँ आया तो ये 8 वाला ग्राउंड इधर आ जाएगा, अब जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। और आपने दूसरी बात क्या पूछी थी, कि हम इसको चेक कैसे करें, क्या चेक कैसे करें। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कौन से पॉइंट की ग्राउंड आप नहीं आ रही है, क्या इस समय ग्राउंड, ये वाली रिले की ग्राउंड इससे जुड़ी है, 3 नंबर से जुड़ी है ना, उस बीप करा के देख लेते हैं, कल हमने चेक करा तो ध्यान नहीं है। ये ग्राउंड फिलहाल ये देखो किस पिन से आ रही है, इसी से आ रही है ना, ये कितने नंबर पिन है, ये 10 नंबर। तो आईसी कैसे चेक होगी, 10 नंबर पे अभी आप चेक करोगे तो सप्लाई आ रही होगी, है ना, रखना ज़रा 10 नंबर पे, ये लो रखो आप, ठीक है। कलेक्टर पे अभी 12 आ रही है, क्या आ रही है, क्यों आ रही है तो पता है ना, कॉइल से घूम के आ रही है, क्योंकि यहाँ भी कुछ आ नहीं रहा है। और ये इस पे ग्राउंड, ये इमीटर वाली कब आएगी, ये चाहूँ तो मैं इमीटर वाली ग्राउंड डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, हो गई ना बल्ब, पर हम नहीं दे सकते ना, मेन जब चाहती है जब कलेक्टर पे ग्राउंड आनी चाहिए। तो मेन क्या करेगी, इसके सामने वाली जो पिन है क्या है, वो बेस पे जब 5 वोल्ट देगी, क्या देगी, 5 वोल्ट, तब ये ऑन होगा। तो देखो 5 मैं इसको दूँ तो ये लगाओ, मैं 5 देता हूँ, कलेक्टर के सामने वाली पिन इस पे क्या है, वो बेस, बेस पे मैं 5 देता हूँ, 0 हो गई ना वोल्टेज, क्यों, वहाँ पे 5 देने से 8 वाली ग्राउंड उधर चली गई है, क्या हो गया, ग्राउंड इधर आ गई, हाँ, ये बेस पे करंट देने से मेरे ये वाली ग्राउंड इधर आ गई, इसलिए वो वोल्टेज 0 हो गई, क्या हो गया, समझ में आई बात, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थी यूएलएन की वर्किंग, जो पीसीबी में लगी हुई होती है इंटरनली।
इसी तरीके से आप प्रैक्टिकली और इंटरनली वर्किंग समझना चाहते हैं तो आइए और ABC इंस्टीट्यूट में मेरे पास मेरे कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। आगे कुछ भी ऐसी कुछ अच्छे टॉपिक जो होंगे उन पे जो वीडियो होगी मैं आपको प्रैक्टिकली बना के आपसे शेयर करूँगा, ठीक है।